जो है वो जरूर टाइप कीजिएगा मुझे सु... पता चल जाएगा कि आप लोग इंडियन आर्मी के फैन है तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को कर लेते हैं गाइस अगर आप लोग चैनल पर अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर करेगा पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब वीडियो कर दीजिएगा लाइक और शेयर आप लोग की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी और पहले भी इंडियन आर्मी के ऊपर जो है मैं वीडियो बना चुकी हूँ काफी अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स आया कुछ लोगों ने जो है वो बैड कमेंट भी किए कुछ लोगों ने ज्यादातर लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए उन सबका धन्यवाद ठीक है तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय हिंद दोस्तों दोस्तों भारत के साथ सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस कौन से हैं? भारत की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना में कई खतरनाक कमांडो की फ़ोर्स हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का खात्मा कर देती हैं आज हम आपको उन्हीं भारतीय कमांडो के बारे में आपको बताएंगे साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय सेना में सबसे खतरनाक कौन से कमांडो होते हैं और इनका गठन कब किया गया था नंबर सात पे है घातक कमांडो फोर्स घातक फोर्स के नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फोर्स कितनी घातक है घातक का मतलब क्या था? इस फोर्स का गठन 1965 में पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दौरान हुआ था yeah. जब दुश्मन के साथ आमने सामने की जंग होती है तब इनका प्रयोग किया जाता है इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो की तरह होती है नंबर छह पे है एस कमांडो फोर्स इस फोर्स का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है इस फोर्स का गठन इंदिरा गांधी की मौत के बाद उन्नीस में हुआ था इस फोर्स का मुख्य काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है इस फोर्स के जवान और उनके परिवार की रक्षा करते हैं नंबर पांच पे है गरुड़ कमांडो फोर्स भारत की सबसे खतरनाक आर्मी की टुकड़ी में से एक है इंडियन एयरफोर्स की एक अहम फोर्स है गरुड़ कमांडो फोर्स 2004 में एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया था ये दुश्मनों को मार कर ही दम लेते हैं गरुड़ कमांडो फोर्स सीमा के पीछे तैनात किया जाते हैं इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर चार पे है कोबरा कमांडो फोर्स भारत की सबसे खतरनाक सेना की टुकड़ी में से एक कोबरा कमांडो है इस कमांडो फोर्स का गठन दो में किया गया था ये फोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है इस फोर्स के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है नंबर तीन पे है एनएसजी कमांडो फोर्स एनएसजी कमांडो भारत की सबसे खतरनाक सेना की टुकड़ी में से एक है इनका पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा कठिन होती है एनएसजी कमांडो देश की अहम कमांडो फोर्स है यह गृह मंत्रालय के अंडर काम करते हैं यह फोर्स आतंकवादियों से लड़ने में काफ़ी ज्यादा सक्षम मनी जाती है नंबर दो पे है पैरा कमांडो फोर्स भारत की सबसे खतरनाक सेनाओं की टुकड़ी में से एक है पैरा कमांडो इसका गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई के दौरान किया गया था यह भारत की सबसे ज्यादा शिक्षित और मज़बूत कमांडो माने जाते हैं कारगिल युद्ध के दौरान पैरा कमांडो फोर्स ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी इन्हें हवाई लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी जाती है इनकी खास बात यह है कि यह 30 से पैंतीस हजार की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं पैरा कमांडो के ट्रेंड कमांडो को स्पेशल यूनिफॉर्म दी जाती है इस यूनिफॉर्म का हल्का रंग इन्हें रेगिस्तान में छिपने और डार्क रंग हरियाली में छिपने में मदद करता है नंबर वन पे है मार्कोस कमांडो फोर्स मार्कोस। भारत के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स में मार्कोस कमांडो का नाम पहले नंबर पे आता है इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडोज में भारत के मार्कोस कमांडो का नाम आता है मार्कोस कमांडो को जल थल और वायु सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है ये बहुत ही सफल और मजबूत कमांडो में से एक है मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की कमांडो है मार्कोस कमांडो स्नाइपर से लेकर सभी हथियार चलाने में बेहद माहिर होते हैं आपको बता दें मार्कोस कमांडो बिना हथियार के और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं बहुत, बहुत, बहुत ही अच्छी बहुत ही इंफॉर्मेटिव बहुत ही मजे की ये जो है सारी वीडियो थी और मुझे जो है वो मार्कोस कमांडो जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस और चलाक और जिसे कहते हैं ना बस दुश्मन के नाक के नीचे से कोई चीज निकाल के ले जाने वाले वो लगते हैं आप लोगों को कौन से कमांडो जो है वो ज्यादा इसमें से जो है ना जिसको आप सपोर्ट करते कि ये वाले कमांडो जो आर्मी है ना ये अच्छी है ये अच्छी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन आर्मी भाई जस्ट टूडो भाई डर गया था इंडियन आर्मी से तो भाई और क्या ही बात हो सकती है इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही पावरफुल जो है वो इंडियन आर्मी है और पाकिस्तानी आर्मी भी किसी से कम नहीं है लोग मुझे कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं है तुम तो इंडियन आर्मी पे वीडियो बनाती हो भाई वीडियो बनाती हूँ ठीक है और मैं वीडियो के अंदर ये भी आप लोगों को बोलती हूँ कि दुनिया की जितनी भी आर्मी है ना मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ ठीक है क्योंकि ना ही सिर्फ इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी चाइना आर्मी ठीक है और उसके बाद अमेरिकन आर्मी और कोई भी आर्मी आप ले लें दुनिया की ठीक है उनकी वजह से ही जो है ना उनके मुल्क के जो लोग हैं वो आराम से सो पाते हैं खा पी सकते हैं आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं क्योंकि वो बॉर्डर्स के ऊपर रहकर जो है वो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हमें सिक्योरिटी दे रहे होते हैं प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उनके बगैर जो होता है ना आर्मी के बगैर जो मुल्क होता है वो जो है ना फिर इधर से दुश्मन दुश्मन का हमला उधर से दुश्मन का हमला ठीक है तो वो फिर जीना हराम हो जाता है उस मुल्क के अंदर तो इसलिए मैं कहती हूं कि आर्मी किसी भी मुल्क की हो वो रिस्पेक्ट के काबिल होती है ठीक है तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही मजे की और इंडियन आर्मी के जो है वो सेवन सेवन डेंजरस कमांडो के बारे में आज हम लोगों ने देखा और मार्कोस का मैं पहले सुना हुआ था कि बहुत ही डेंजरस होते हैं और बस इनको एक ऑर्डर की जरूरत होती है और फिर जो उनको ऑर्डर मिला है उन्होंने वो करके ही जो है वो दम लेना है तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर जरूर अच्छे से कैसे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय